फ्योली बोलो के बुरास बोलो फूल फ्योली बोलो। मैं सरोज पहाड़न, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो इस प्रकार आज का मौसम गैरसन का, सुबह से लगी थी बढ़िया सी धूप, लेकिन फिर हो गया है मौसम ख़राब। तो रोज़ की तरह अपना काम धाम निपटा करके अब मैं जा रही हूँ दुकान में। तो दोस्तों, कैसा रहता है आज का दिन, इसी प्रकार मेरी वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। तो आज मेरे हस्बैंड लोगों की विदाई है अपने स्कूल से, और पूरे 23 साल वो उस स्कूल में रहे हैं। तो आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा या कैसा मोमेंट आज वहाँ पे रहेगा। तो मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी क्या क्या हुआ वहाँ पे, कैसा कैसा आज का दिन वहाँ पे रहा। पहुँच गए हैं दुकान में, आते ही मेरी कस्टमर भी आ गई एक। तो पहले दुकान साफ कर लेते हैं, ठीक है? क्या करना है विरोज? रोशनी पहुँच गई। हाय गाइज, हाय गाइज। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुश रहा तू? बहुत अच्छा लगता कि जब ये बच्चे आते हैं तो ये पैर छू के विश करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रोसिक। वाह यार, ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। पहुंच गई हूँ मैं घर, अभी बज रहे हैं दिन के 2। तो आज मिस्टर से आ गए हैं रोहिड़ा। गंदा सा लग रहा कि खुद घर वर खोलो, आजकल आदत से हो रही थी, क्योंकि अब नज़दीक का स्कूल भी हो गया तो थोड़ा पहले आ जाते हैं। लेकिन मुझे आज बड़ा अजीब लग रहा कि आ करके दरवाज़ा खोलो, घर के अंदर घुसो। तो अब मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, देखती हूँ क्या खाना बनाती हूँ, वो तो शाम तक ही पहुँचेंगे। और मैं बनाती हूँ कुछ अपने लिए, थोड़ा बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, कुछ बना लेती हूँ। मिस्टर शाह ने इतना वेट करा दिया, ऐसा लग रहा जैसे आज रिटायर हो रहे होंगे। अरे यार, ट्रांसफर ही तो हुआ है, पूरे पूरे 3:30 बज चुके हैं। अब मैं अभी भी उनका इंतजार ही कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ उनका, कि अच्छा नहीं लगता कि घर बंद मिले। और अगर वो लोग इतनी दूर से उनको छोड़ने आ रहे हैं, तो मेरा भी पूरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं उनका इंतज़ार करूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि आज मेरे हस्बैंड की अपने स्कूल से विदाई है, तो उनको छोड़ने शायद स्टाफ या गांव वाले लोग आ रहे हैं। तो मैं कर रही हूँ ये सारी तैयारी उनके लिए, चाय पानी की, और पहुँचने हैं वाले हैं वो लोग। ये तो इतने इमोशनल है ना, मुझे इनको देख के लग रहा, क्या पता क्या क्या हो मेरा ना आज वहाँ पे। छोटी छोटी बातें में इनके डब डुब डुब तो आंसू डब डुबा जाते हैं, तो जो हाल रहा होगा देखते हैं। अभी आएंगे तो आप लोग भी देखना किस ढंग से हैं, और होना भी वाजिब है यार, 23 साल बहुत होते हैं। 23 साल जब उनकी जॉब वहाँ लगी है, और उसके बाद उनका तो अपना घर जैसा हो गया था वहाँ। लेकिन मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं कैसे फेस करूँगी उनको। जब आज सुबह जा रहे थे ना, तो तभी उनकी आँखें नम नम सी थी, लेकिन मैंने ज़्यादा क्या कहते उसको डीपली बात नहीं करी। मैंने कहा करूँगी तो तभी से रोना धोना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी मैं लगी हुई हूँ उनकी तैयारी में, पहुँचने वाले हैं, दिखाती हूँ आपको। ये विदाई पत्र पढ़ के मुझे भी बहुत अजीब सा हो रहा, नहीं हो रहा, आंखें नम नम सी हो रही हैं। धन्यवाद एक बार से फिर से रोहिड़ा क्षेत्र का, और इन्होंने भी वहाँ पे ऐसे कार्यकलाप किए हैं, तभी इनको इतना याद कर रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, चलो ठीक है।
वीडियो नहीं हो भाई ये अपोल दे आज इधर आ जा मुझे कोई दिक्कत होगी होगी एक फोन कॉल पे दूर रहूंगा ठीक है मैं उधर से आ जाऊंगा ओके बेटा मुझे उम्मीद है तुम बहुत सर भाई बेटा मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया करो मुझे पूरी उम्मीद है चलो बच्चों वो पढ़ने वहां देखो वहां देखो उधर देखो फोटो फोटो मिलते हैं अभी सब मिलते हैं यार।
ये वीडियो वीडियो अरे बहुत हम तक निकालते नहीं घूमो घूमो क्या निकालना है इसमें वीडियो बनाने जा रहे हैं विदा करते हैं सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई गोविंद भाई आपका ये डेकोरेशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे सर लोगों को इतनी बधाई दी एंड आगे भविष्य में हमारे सर लोग हमें भी बोलना चाहता हूँ जी शुक्रिया धन्यवाद
ऑपरेट करना हमारा अध्यापक कैसा हो हमारा अध्यापक कैसा हो अरे छोड़ो मत बोलो यार संजू उमेश मत बोलो यार अध्यापक कैसा हो किचन में सीधे सर सर
आप भी बोलो ना कुछ, बोलो तो सही कुछ। बस मैं बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। और इस टाइम क्या कर सकते हैं, लंच टाइम भी ओवर हो गया है। वो तुम पे रहो भाई, तुम्हारी भाभी वो तुम्हारी भाभी है, तुम पे रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार इतने ऐसे बनाए रखना।
कौन सा दूर है अभी रोहड़ा से? ऐसा होता है तो बुलाना, हम लोग जरूर आएंगे। आएंगे, हम तो आप सोच रहे हैं। किसी की तो समझ में आया, सर को निमंत्रण दिया था, बुला के भी नहीं, बुला के भी नहीं आया। क्या जी, क्या बने? बुला के भी नहीं आया जी, जी क्या बने? जी क्या बने? हाई स्कूल फेलियर है यार। चलो चलो चल चलो परसों में आया था, इनके चाचा के साथ बैठा था, वो मिसेल भी आई थी, तो मुझे वहाँ आँख वाला सोमवार को आया था। मैं मंजीत बस होता हूँ। आप लोग पहले खाना खाते हो? मुझे बड़ा बड़ी खुशी भी हो रही है, बहुत बुरा भी लग रहा है कि मेरे हस्बैंड की फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी रोहिरा में, और आज उनके यहाँ से विदाई हुई है पूरे 23 साल बाद, और वो इमोशनल भी हैं, उनको बहुत बुरा भी लगा। और लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि गांव वाले, चलो स्कूल में तो जो विदाई दी, अभी मैं जो सुन रही हूँ कि स्कूल में तो हुई हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड को और दूसरे जो एक टीचर हैं महावीर को, जो भैंजरी वाले महावीर जी हैं, उनको उन्होंने फिर स्पेशल पार्टी दी, स्पेशल विदाई दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने अपना वहाँ पर कैसा वो बना रखा था कि इस ढंग से याद करना। विदाई तो खैर सभी देते हैं जो भी, लेकिन गाँव वाले यहाँ तक छोड़ना आ रहे हैं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस भी हो रहा अपने हस्बैंड पर। तो ये सब देख के, इन लोगों का प्यार देख करके, और यहीं से मैं अपने ब्लॉग को समाप्त भी करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। फिर मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।